कोविड के बीच बड़ा ऐलान बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की तरफ से किया गया और ऐलान ये कि भारत और श्रीलंका के दरमियान जिस सीरीज को लेकर काफी ज्यादा खदशात थे, सवालात काफी ज्यादा उठाए जा रहे थे कि कोविड 19 के इस बिगड़ते हालात के बीच श्रीलंका के अंदर सीरीज हो पाएगी या नहीं, लेकिन अब 18 जुलाई से ही क्रिकेट मुकाबले शुरू करने के लिए ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई सदर सौरभ गांगुली के मुताबिक कोविड के सबब मैचों को मनसूख नहीं किया जाएगा, पहली बड़ी बात। दूसरी बात ये कि इंग्लैंड से लौटने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं श्रीलंका के, उनमें बेशतर खिलाड़ी कोविड 19 का शिकार हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव केसेज आए हैं और शायद वो इस सीरीज का हिस्सा ना बन पाए, इसलिए 18 जुलाई से सीरीज होगी या नहीं इस पर अब सबको खदशात थे, मगर उनको दूर करते हुए बीसीसीआई सदर ने साफ कर दिया है कि 18 जुलाई से कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही इन मैचों का आगाज कर दिया जाएगा। इस सीरीज के आगाज के साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला कर लिया है कि दर्शकों की तादाद या जो मैच देखने वाले लोग होंगे उनकी तादाद 15-20% करके इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा ताकि नुकसान से भी बचा जाए, कोविड प्रोटोकॉल पर भी अमल दरामद हो और खेल के मुकाबले या क्रिकेट सीरीज भी 18 जुलाई से बाकायदा तय शेड्यूल के मुताबिक शुरू। कुल मिलाकर श्रीलंका और भारत के बीच 3 ODI खेले जाएंगे और 3 T20 मैच का खेलने का प्रोग्राम फिलहाल तरतीब दिया गया है और शेड्यूल का ऐलान कल बाज़ाब्ता तौर पर गांगुली की तरफ से किया गया।